ओके सो गाइस, यहाँ पे भैया बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। वो न्यूज़ ये भी आपको याद होगा, अभी लास्ट टाइम पे मैंने ये बताया था कि फाइनली जो मेटा क्रिएटर डे हो रहा है भैया, वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी मुंबई में हुआ। सो फाइनली अब दिल्ली में जहाँ पे हूँ मैं, और अब गाइस यहाँ पे मुझे भी इन्विटेशन आ चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना, तो भैया आई बटन में है, आप उसको जाके देख लो। वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट वहाँ बनाया था कि किस किस तरीके से आपके पास मेल आएगा, कैसे आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एंड मोर बहुत सारी चीज़ें। सो फाइनली आज मेरे पास फिर से एक और अपडेट आया है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन्विटेशन आया होगा। अच्छा, एक और चीज़ लोग लेकर परेशान है इन्विटेशन को, कि लोग ये बोल रहे हैं कि इन्विटेशन भैया मुझे भी आया लेकिन मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ। भैया वो आपको इन्विटेशन नहीं आया, वो एक सबको ग्लोबली एक पूरा सब लोगों को एक मेल जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपको इनवाइट नहीं गया, वहाँ पे लिखा भी आता है कि यू आर इनवाइटेड फॉर दिस 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 ऐसा करके, लेकिन स्पेशली वहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि आपके पास जब तक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ना मिले तब तक आप एलिजिबल नहीं हैं। आप ऑनलाइन देख सकते हो, ऑनलाइन कहाँ से देख सकते हो, क्रिएटर पे देख सकते हो आप, इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएटर्स के ऊपर देख सकते हो, या साथ ही साथ आप जो है फेसबुक के ऊपर मेटा फॉर क्रिएटर्स के ऊपर देख सकते हो, जो ऑफिशियल पेजेस हैं। अब आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरे पास आया क्या, अभी जो रिसेंटली आज जो मेरे पास मेल आया उसमें क्या लिखा हुआ, देखो अब आप यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें आपको हाइड मिलेगी। मुझे यहाँ पे लिखा गया और इसमें दिया गया कि भैया कि यहाँ पे मेटा और उसके बाद में क्रिएटर डे, मेटा क्रिएटर डे, और यहाँ पे लिखा है कि टू डेज टू गो यहाँ पे, यानी भैया टू डेज टू गो, और यहाँ पे लिखा है कि हैज़ मेटा क्रिएटर डे इज ऑन 6 नवंबर, वी कांट वेट टू सी यू। तो भैया ये सब चीज़ें लिखी, 6 नवंबर को होने वाला है। पहली बात यहाँ पे लिखा जाता है कि हेयर इज़ योर चेकलिस्ट फॉर द इवेंट, आप यहाँ पे इस चेकलिस्ट को देख लो अपने इवेंट के लिए क्या क्या है वो देखो। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले लिखा है कि भैया आप जो है 1:30 तक आप पहुँच जाओ, पहली बात आपका जो टाइम पीरियड है वो 1:30 तक है, आवर विद आवर स्पेशल गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि वी देयर एट 1:30 PM टू ग्रैब योर स्लॉट एंड वी आर पार्ट ऑफ आवर ओपनिंग आवर्स विद आवर स्पेशल गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा दूसरा है, यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट है कि डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द एजेंडा। यहाँ पे बेसिकली एक इन्होंने एक पूरा एजेंडा बनाया हुआ, वो एजेंडा जरूर चेक कर लो कि क्या क्या कब कैसे किस टाइम पे होगा। और साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ है कि वी हैव ए सरप्राइज प्लान्ड इन द इवनिंग फॉर यू मोर टू कम, भैया शाम के लिए कुछ सरप्राइज इनके प्लान्स होंगे। चलो वो तो बात की बात है, जब वहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है कि डू रिमेंबर टू कैरी अ वैलिड आईडी प्रूफ, तो भैया आप यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ जिस नाम से आपने रजिस्ट्री की है वो आपका एक आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। क्या ले जाएं, पैन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी ले जाओ लेकिन आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई भी रख लेना, यार आधार कार्ड ले रखना। यहाँ पे लिखा आता है कि शेयर यो, अच्छा यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ये, ठीक है ओके डन, ठीक है। चलो ये तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे क्यों लिखा है कि दिस पास एडमिट एंट्री फॉर 1 पर्सन ओनली, यानी एक पर्सन को यहाँ पे एडमिट किया जाएगा, एडमिट मतलब उसकी एंट्री एक बंदे को मिलेगी, और दिल्ली 6 नवंबर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हुआ जो मेरे पास यहाँ पर ही है, लेकिन अब बात करते हैं अगर गेट पास की, अरे सॉरी गेट पास नहीं यार, जो आपको एंट्री पास है, जो आपका एंट्री पास है, वो एंट्री पास में कुछ इस तरीके से देखें, जो पूरा हाइड है, और इसके अंदर यहाँ पे जो पूरा हाइड है इसके अंदर यहाँ पे लिखा है मेटा क्रिएटर डे इन दिल्ली, और QR कोड भी है, पूरा डेट टाइम सब कुछ मेंशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे लिखा भी है कि भाई जो एड्रेस है, एड्रेस पूरा प्रॉपर मेंशन है। तो ये चीज़ आपके जो आपको पास दिया गया है उसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें मेंशन है, और नीचे नाम और कब आपने रजिस्टर किया वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीधी, तो भैया आपके पास एक आपको एक रिमाइंडर आया होगा, जो लोग भी जा रहे हैं इस इवेंट के अंदर दिल्ली के अंदर, तो उनके पास एक रिमाइंडर आया होगा कि भैया 2 दिन बचे हुए हैं और आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं। ऐसा नहीं कि आप समझ ही लो, तो बहुत सारी चीज़ों को चेकलिस्ट करनी है, उन सब चीज़ों के हिसाब से जाना, आईडी प्रूफ लेके जाना है, एजेंडा चेक कर लो किस किस टाइम पे क्या चीज़ें होने वाली है, कौन से समय पे पहुंचना है, एंड मोर बहुत सारी चीज़ें। गाइस बहुत अच्छा है, और हाँ एक सबसे मेन बात यार, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स आएंगे और उसके अंदर वहाँ पे वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या कुछ, देखो क्या होता है वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन अरे आप जुड़े रहो मुझसे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मेरे फेसबुक पेज प्रोफाइल और बाकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल, इन सब के साथ आप कनेक्टेड रहो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और बाकी अगर वाकई में आप पैसा कमाना चाहते हो, फेसबुक रील्स, एड्स ऑन रील्स, बोनस, स्टार, सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ों से या इन स्ट्रीम से भी, तो उसके लिए आप बहुत जल्दी मेरा एक खुद का वेबिनार होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सेक्शन, जाकर उसको फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत जल्दी वहाँ पे डेट टाइम सब कुछ मेंशन हो जाएगा और डेफिनेटली आप उससे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ। पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको वक्त और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बस फिलहाल इतना ही, और खुशी की बात है यार, बस मिलते हैं फटाफट, जल्दी से हो जाए, ये संडे को मिलेंगे और मंडे ट्यूसडे दो तीन दिन आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे उसकी रिगार्डिंग, और इवेंट में क्या खास होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो ब्लॉग के अंदर आएगा, जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इस चैनल पर आएगा, ये सब चीज़ें आपको अपडेट्स मिल गई। बस फिलहाल इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बाय एंड।